एजुकेशन पॉलिसी क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, ऐसा है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। भारत के आज़ाद होने के 19 साल बाद, 18 या 19 साल हो गए थे तब। तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, अगले 18 साल बाद। और तीसरी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है, ये 86 से अब तक 34 साल हो गए। 34 साल के अंतराल के बाद फिर भारत सरकार ने ये सोचा है कि शिक्षा पर क्या होना चाहिए, उस पर नए सिरे से सोचते हैं। तो मैं तो इसको भी सौभाग्य मांगता हूँ कि कम से कम किसी सरकार ने ये तो सोचा कि शिक्षा इतना अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसकी जो है उस पर हमारी नीति क्लियर होनी चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, क्या पॉलिसी है हमारी। तो उस हिसाब से एक तो मुबारकबाद सरकार को कि उन्होंने शिक्षा नीति दी भारत को नई। दूसरा यह है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से विद्यार्थी के और समाज के हित के लिए है। उसमें खास बात ये है कि इन्होंने एक तो अपना जो कोर्स है उसको इस तरह से कर दिया है कि कोई भी बच्चा किसी भी टाइम अपने कोर्स से बाहर जा सकता है और कोर्स के अंदर आ सकता है। जैसे मान लो बीए फर्स्ट ईयर कर लिया या एमए फर्स्ट ईयर कर लिया, फिर उसके घर में कोई मजबूरी हो गई, शादी हो गई, और कुछ हो गया, 5 साल तक वो कुछ नहीं कर पाया, 5 साल बाद दोबारा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने की उसको छूट है। तो एंट्री और एग्जिट बहुत आसान बना दी इसके लिए इन्होंने। दूसरा ये है कि इस शिक्षा नीति ने भारत के बालकों को ये चांस दे दिया कि तुम अपनी मदर टंग में अपनी शिक्षा ले सकते हो। तो 2 साल का बच्चा है, 3 का है, 7 का है, जिस भाषा में उसकी माँ बोलती है उसी भाषा में वो शिक्षा ले सकता है, ये पहली बार हुआ है। तो ये अच्छी कोशिश है और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं और जो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में और इस तरह से अंग्रेजी के स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है इस तरह का प्रयत्न जो इन्होंने किया है। अगला इस नीति में यह है कि ये नीति बीए के कोर्स को 4 साल का करने जा रही है, 4 ईयर कोर्स होगा बीए का। 12वीं क्लास को कॉलेज के साथ जोड़ने में का सुझाव दिया है नीति ने। यूरोप और अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 ईयर है। जब हमारा बच्चा यहाँ से बाहर जाता था तो उसको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता था, पहले 3 साल की डिग्री यहाँ की, 1 साल का वहाँ करेगा, तब वो उसका एमए में एडमिशन होता था। तो अब उस कोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आ गए हैं। अगला ये है कि इन्होंने सारी शिक्षा नीति में भारत की जड़ों से जुड़ने की दोबारा कोशिश की है। मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, वोकेशनल, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर और जनरल एजुकेशन को एक जैसा बनाना, और ये डिसाइड करने की छूट देना कि भाई अगर आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो तो साथ साथ में म्यूजिक का कोर्स भी आप कर सकते हो। मतलब आप मेजर 4 सब्जेक्ट में, मेजर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो माइनर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। ये आपको छूट छूट पहली बार मतलब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बजाय सारी चीज़ों को मिक्स करके पूरी समग्रता में देखने की कोशिश हुई है। जी सर, तो ये अच्छा प्रयत्न है और ये हिंदुस्तान की शिक्षा को भी ट्रांसफॉर्म करेगा, बच्चे के करियर को एंश्योर करेगा कि उसका करियर अच्छा हो जाए, और साथ साथ आने वाला भविष्य का भारत का जो समाज है वो भी इस शिक्षा नीति की वजह से अच्छा नागरिक निकलेगा और समाज भी अब फ्यूचर का अच्छा होगा। सर मैं प्रोफेसर राजबीर सोलंकी, वाइस चांसलर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद।